आज हम आपको मिलाएंगे उस आदमी से जिसने किया है जियो फोन का ब्रोशर लीक, और ये आदमी ये भी बताएगा कि इसने जियो फोन के इस ब्रोशर को कैसे और क्यों लीक किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जियो फोन का ब्रोशर लीक होने के बाद सारी जानकारी सामने आ गई है। तो क्या है वो जानकारी और कौन है वो व्यक्ति जिसने ये ब्रोशर लीक किया है, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, डिजिट हिंदी के इस न्यूज सेक्शन में आपका स्वागत है। और मुंबई में मौजूद हैं हमारे संवाददाता, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हिमांशु चौरसिया, और एक ऐसे आदमी को इन्होंने ढूंढ निकाला है जिसने जियो का ब्रोशर, जियो फोन का ब्रोशर लीक किया है। हिमांशु, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं तो ओके बोलो। तो चन्ने किस तरह कर दिया लीक जियो? अरे कुछ लीक नहीं किया है हमने। ठीक है, तो वह ब्रोशर किस तरह आया तेरे पवन? नहीं ले लिया कागज सा? अरे हम गए रहे मुकेश भैया के पास, मुकेश भैया कहे कि हमको चना खिलाइए, चना खिलाने के लिए हमको कागज चाहिए था। तब कागज के लिए हम गए, वहाँ देखे लीला लीला कागज पड़ा हुआ, हम उठा लिए, उसमें हमको उनको चना खिलाए, कहा बहुत अच्छा बना, इतना खुश हो गए चना खा के कि हमको उतार के दे दिए, वो पहना दिए हमारे गले में, कहा दे दिए हमको का मोतियों का हार। अरे नहीं, पहचान पत्र दिए, कहा जियो बेटा जियो। फिर वो इतना खुश हो गए, फिर हम भी वहाँ से उठाए 10 और कागज उठा लिए लीला लीला वही वाला, और उसमें चना रखे और गए और गरीबों में बांट दिए हम। अच्छा, और साथ में जानकारी भी बांट दी। ओके, तो इस जियो फोन के ब्रोशर के लीक होने के बाद जियो फोन के बारे में जो सारी अटकलें लगाई जा रही थी वो दूर हो गई हैं, और क्या है ब्रोशर में दी गई जानकारी बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इस लीक ब्रोशर में रिलायंस जियो के अफोर्डेबल जियो फोन के बारे में सब कुछ बताया गया है। इसमें ये जानकारी भी दी गई है कि इस फोन में सेल्फी कैमरा भी मौजूद होगा। रियर और फ्रंट दोनों तरफ 2 मेगापिक्सल का VGA कैमरा मौजूद होगा। आप इससे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसमें 4 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। एक स्पेशल केबल के जरिए आप अपने इस फोन को अपने CRT, LCD या स्मार्ट TV से भी जोड़ सकते हैं। अपने इस जियो फोन में इंटरनेट ब्राउजर को खोलने के लिए आपको सिर्फ 0 प्रेस करना होगा। वॉइस कमांड भी इस फोन की एक जबरदस्त खासियत कही जा सकती है। आप सिर्फ ऐप का नाम बोलकर उसमें कोई भी ऐप खोल सकते हैं, मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं और कोई भी गाना या कोई भी फिल्म चला सकते हैं। 22 भारतीय भाषाओं में चलाया जा सकने वाला ये फोन जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। तो इस फोन को आप 24 अगस्त से बुक कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसमें हॉटस्पॉट है या नहीं है। तो यार ये हॉटस्पॉट तुमने करना क्या है? उसे वाईफाई बना के यूज करने, तुम जियोफाई क्यों नहीं ले लेते? किसी और का वाईफाई ले लो, कोई भी ले लो यार। नीचे कमेंट में बताओ कि आपने ये हॉटस्पॉट क्या करना है, क्यों चाहिए आपको और क्यों नहीं होना चाहिए इसके अंदर हॉटस्पॉट। और जो लोग सवाल पूछे उनका नीचे जवाब भी दो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।